टॉप 4 बेस्ट मोटोरोला स्मार्टफोन्स अराउंड 12,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यार कि मोटोरोला आजकल बहुत ही कम प्राइस पर और बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ में स्मार्टफोन्स लॉन्च करता जा रहा है, और दोस्तों ये देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, अगर आप भी यहाँ पर मोटोरोला के फैन हैं और आप मोटोरोला की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना चाहते तो आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए रखे हैं 4 अलग अलग स्मार्टफोन। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सभी के लिंक्स आपको इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के इन्हें चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर ओप्पो का E40। क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस की IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। 450 की नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले बजट के अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यूनिसॉक का T700 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक काफी तगड़ा चिपसेट है। आपको डेली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, गेमिंग वगैरह भी आपको काफी अच्छी करा देता है। वहीं पर इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाली आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है, परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही पावर हाउस की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, साथ ही 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है। तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है दोस्तों वो आपको इस फोन के अंदर बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि बिना किसी ब्लॉटवेयर वगैरह के आता है, तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की दोस्तों। 464 के लिए अभी आपको देने होंगे 8,999 रुपये। बात करते हैं अगले फोन की। तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर मोटोरोला का G32। प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 600 नीट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ, इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मिल जाता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। रही बात अंतुतु स्कोर की, तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, और उस हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UMCP वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे ये फोन आपको एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले चाहते हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का G42। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीमीडिया के लिए कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला काफी कमाल का पैकेज है। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 700 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है।
कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 MB बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। लगभग आपको यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर दे देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सो मल्टीमीडिया के लिए कम बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। और फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें लिस्ट के आखिरी फोन की तो ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों फोन काफी कमाल का है और ये फोन यहाँ पर मोटो का G52 आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी अच्छे हैं। वैसे ये फोन भी आपको हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में मिल जाता है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली प्लास्टिक OLED पैनल, 500 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और 360 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से बहुत ही कमाल की है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फोन आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट निकाल कर देता है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। वहीं पर दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला काफी अच्छा चिपसेट है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी लगभग आपको यहाँ पर 2,20,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम और UMCP वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स जिसकी भाई ऑडियो क्वालिटी बहुत कमाल की है, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई अच्छा सा मल्टीमीडिया फोन ढूंढ रहे थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये, चाहे तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, सभी के लिंक्स आपको इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।